Hi everyone, this is Imani Kalra from Nexus and Company. So I am continuing the same topic that was issue of summons and service of summons. So issue hum par chuke the, now next is service of summons. So rule 9 explained the delivery of summons by court. Ki court kis tarah se summons ki delivery karenge. Where the defendant resides within the jurisdiction of the court in which the suit is instituted. Agar hamara defendant wahi usi jurisdiction mein rehta hai, जहां पर उस सूट को इंस्टीट्यूट किया है और हैज एन एजेंट रेजिडेंट विद इन दैट जुरिस्डिक्शन या उसका कोई एजेंट उसी जुरिस्डिक्शन में रहता है हु इज एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ द समन्स जो ले सकता है उन समन्स की सर्विस को एक्सेप्ट कर सकता है द समन शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट द सर्विस डायरेक्ट बी डिलीवर्ड और सेंट ईदर टू द प्रॉपर ऑफिसर टू बी सर्व बाय हिम उसको दिए जाएंगे और वो या तो उसके पास चले जाएंगे हिम और वन ऑफ द सबॉर्डिनेट या उसके किसी सबॉर्डिनेट के पास थ्रू कुरियर क्लॉज टू The proper officer may be an officer of a court. जो भी वो देने जाएगा वो कोर्ट का ऑफिसर होना चाहिए अदर देन दैट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड मतलब जहां पे सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है उसका ऑफिसर को नहीं होना चाहिए उसके अलावा कोई और सबॉर्डिनेट ऑफिसर होना चाहिए जो कि समन की सर्विस के लिए वहां पर जाएगा एंड वेयर ही सच एन ऑफिसर द समन मे बी सेंट टू हिम इन सच अ मैनर एज द कोर्ट में डायरेक्ट एंड उस ऑफिसर को भी समन उसी तरह से दिया जाएगा जो कोर्ट ने उस टाइम पे डायरेक्ट किया होगा नाउ क्लॉज 3 द सर्विस ऑफ समन्स मे बी मेड बाय डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग अ कॉपी देयर ऑफ बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट अब बाय पोस्ट भेजोगे एड्रेस पे उसके डिफेंडेंट के या उसके एजेंट के एड्रेस पे भेजोगे पूरी सर्विस कराकर विद स्पीड पोस्ट और बाय स्पीड पोस्ट सर्विस प्रॉपरली कराकर कुरियर सर्विसेज के थ्रू बेसिकली जो हाईकोर्ट ने अप्रूव करी हुई है आप ईमेल भी कर सकते हो हाईकोर्ट के थ्रू जो भी अप्रूवल्स आपको मिले उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड नीचे दिया हुआ एट द सर्विस ऑफ समन अंडर दिस सब रूल शैल बी मेड एट द एक्सपेंसिव ऑफ द प्लेंटिव जो एक्सपेंसिस लगेंगे समन की सर्विस के वो प्लेंटिव उस चीज के लिए लाइबल होगा नाउ क्लॉज 4 Notwithstanding anything contained in sub-rule 1. What was sub-rule 1? Sub-rule 1 was कि defendant अगर उसी jurisdiction के jurisdiction में रहेगा तो हम उसको भेजेंगे otherwise उसके subordinate को भेजेंगे. Where a defendant resides outside the jurisdiction of the court in which the suit is instituted. अगर defendant अपनी jurisdiction उस jurisdiction के बाहर रहता है and the court directs that the service of summons on that defendant may be made by such mode of service of summons as is referred in sub-rule 3. Except by जो registered post acknowledgement के accordingly, the provision of rule 21 shall not apply. So rule 21 का जो provision होगा वो इसमें apply नहीं होगा मतलब अगर वो बाहर रहता है और उसको हम नहीं दे सकते तो जो 21 का provision होगा जो कि इसमें है कि service of summon where defendant reside within jurisdiction of another court, we will do this in another video or in this video. Further, okay. Now rule number 5. When an acknowledgement or any other receipt purporting to be signed by the defendant or his agent is received by the court or postal article containing the summon is received back agar koi summon wapas aa jata hai un tak nahi pahunchta court ke paas then an endorsement purporting to be have been made by a postal employee ya kisi person ko unhone authorize kiya hota uske agent ne refuse kar diya ki main nahi lunga at the time of delivery agar wo dene gaye defendant ko summon aur unhone refuse kar diya ki main is cheez ko nahi lunga by any means agar unhone nahi liya वो समन जो प्रॉपरली एड्रेस भी थे प्रीपेड भी थे ड्यूली सेंट थे ड्यूली रजिस्टर्ड थे सब कुछ उसके अंदर था तो जो फैक्ट्स होंगे जो कोर्ट जो या वो गुम गए या मिसलीड हो गए कुछ भी हो सकता है तो फॉर एनी अदर रीजन हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कोर्ट विद इन 30 डेज तो कोर्ट उस टाइम पर आगे का प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट करेगी और दोबारा उनको भेजने के लिए बोलेगी और उसके बाद द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज इसी का पॉइंट है द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज एज द केस मे बी शैल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ कुरियर एजेंसीज फॉर द पर्पस ऑफ द सब रूल 1 उनके लिए एक पर्टिकुलर एजेंसीज होती है जिनके थ्रू समन को वो लोग भेजते हैं नाउ द नेक्स्ट इज रूल 9A समन्स गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस समन्स जो प्लेंटिफ को दिए जाते हैं अगर सर्विस के लिए द कोर्ट में इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ समन्स अंडर रूल 9 में जो वो सर्विस करा रहे हैं समन की ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ फॉर इशू ऑफ समन फॉर द अपियरेंस ऑफ डिफेंडेंट कि आप भेज दो इसको ताकि डिफेंडेंट अपियर हो जाए परमिट करता है कोर्ट ये परमिट करता है टू प्लेंटिफ टू इफेक्ट सर्विस ऑफ सच समन वो खुद से नहीं कर सकता कोर्ट की परमिशन के बाद करेगा एंड शैल इन सच अ केस डिलीवर द समन टू सच प्लेंटिफ फॉर सर्विस और उसको वो दे देते हैं कि आप आगे डिफेंडेंट की डिफेंडेंट को ये सर्विस करवा दो नाउ रूल 9 क्लॉज 2 द सर्विस ऑफ सच समन शैल बी इफेक्टेड बाय और इन बिहाफ ऑफ सच प्लेंटिफ बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू द डिफेंडेंट पर्सनली अ कॉपी देयर ऑफ साइन बाय द जज जो प्लेंट की कॉपी भी देंगे वो भी जज के थ्रू साइन होनी चाहिए या किसी कोर्ट ऑफिसर के थ्रू जिसको जज ने वहां पर अपॉइंट किया होगा उसके थ्रू साइन होनी चाहिए रूल 3 सॉरी क्लॉज 3
the provision of Rule 16 and 18 shall apply to someone personally served under this rule as a person effecting service for a serving officer. ये हम आगे Rule 16 और 18 में पढ़ेंगे. Now Rule 4, Clause 4, if such summon when tendered or tendered is refused or if the person served उसने acknowledge नहीं किया कि हाँ ये मेरे पास आना था या कुछ भी, the court shall on the application of the party reissue कर देंगे summon को as served by the court in the same manner जैसे कि दोबारा उन्होंने पहले किया था. उसके बाद रूल 10, मोड ऑफ सर्विस. सर्विस का मोड क्या होता है? सर्विसेज ऑफ द समन शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग अ कॉपी थेरऑफ साइन बाय जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट फिट. या तो वो जज साइन करके देता है, टेंडर करके देता है, या फिर वो ऑफिसर अपॉइंट करता है जज खुद से, उसके बाद वो सर्विस होती है समन की. सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट, अगर हमारे डिफेंडेंट ज्यादा है तो सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड प्रिस्क्राइब्ड वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट देन वन द सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड ऑन द ईच डिफेंडेंट. हर डिफेंडेंट के पास सर्विस होगी समन्स की. Rule 12, services to be on defendant in person when practicable or on his agent. अब wherever it is practicable, service shall be made on the defendant in person. उसको दी जाएगी unless he has an agent. अगर उसके कोई जैसे कोई officer है, उनका agent है, मान लो कि company उनका agent है, तो वो वहाँ पे receive कर सकता है. उसके पास ही power होती है कि आप accept कर सकते हो. In which case, service on such agent shall be sufficient. हमें लगेगा कि ये सामान उसके पास पहुंच जाएगा तो हम उसको वो सामान देंगे, और हमें पता होगा कि एम्पावर्ड है थ्रू दैट पर्सन तो हम उसको वो सामान देंगे. रूल 3, सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस. अगर डिफेंडेंट का कोई बिजनेस है तो इन सूट रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और वर्क अगेंस्ट अ पर्सन हु डजंट रिसाइड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन, अगर वो वहां पे नहीं रहता तो कोर्ट फ्रॉम व्हिच द समन इज इश्यूड सर्विस उसके मैनेजर को या उसके किसी एजेंट को भेज देगा पर्सनली, जो उसको पता होगी कि शैल बी डीम्ड गुड सर्विस. जिसके पास पहुंचेगी तो डिफेंडेंट तक हमारी बात पहुंच जाएगी. फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द मास्टर ऑफ अ शिप शैल बी डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ द ओनर ऑफ द चार्टर. ठीक है, अब कोई शिप के अकॉर्डिंग कोई उसके बिजनेस से रिलेटेड है तो उसके मास्टर को हम वो समन दे सकते हैं. नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 14, सर्विस ऑन एजेंट्स इन चार्ज इन सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, वेयर इन अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग. किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई कंपनसेशन का सूट है तो सर्विसेज कैन नॉट बी मेड ऑन द डिफेंडेंट इन पर्सन, तो उसपे नहीं होगी. एंड द डिफेंडेंट हैज नो एजेंट, उसके पास कोई एजेंट भी नहीं है कि वो सर्विस को एक्सेप्ट करे. इट मे बी मेड ऑन एनी एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट इन चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई और एजेंट होगा तो उसको भी हम दे सकते हैं. Now rule 15, where service may be on an adult member of defendant family. अगर defendant की adult member को service होती है तो क्या होगा, अगर defendant की absence है अपने residence से at the time जब service of summon वहाँ पर हुआ, जब summon वहाँ पर पहुँचा, is sought to be effected on him at his residence. वो वहाँ पे नहीं मिला and there is no likelihood उसके जान पहचान का भी कोई नहीं मिला, is being found at the residence within a reasonable time and he has no agent empowered and उसका कोई agent भी नहीं है to accept the services on his behalf, उसके behalf पर कि वो service पे accept कर ले, may be made on an adult member. हम किसी भी उसकी family के किसी भी adult member को वो दे सकते हैं, चाहे वो male हो चाहे वो female हो जो कि उसके साथ रहता हो. एक्सप्लेनेशन में दिया है कि a servant is not a member of the family within the meaning of this rule. अगर उसकी फैमिली में कोई सर्वेंट है तो आप उस सर्वेंट को उसकी फैमिली के मेंबर के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते, दैट मीन्स आप उसको वो समन की सर्विस नहीं कर सकते. नेक्स्ट, पर्सन सर्व टू बी साइन एक्नॉलेजमेंट. अगर किसी पर्सन को आपने उस मेंबर को समन की सर्विस करी है तो आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट देना जरूरी है. वेयर द सर्विंग ऑफिसर डिलीवर्स और टेंडर अ कॉपी ऑफ द समन टू द डिफेंडेंट पर्सनली, उन्होंने दे दिया अगर पर्सनली और टू एन एजेंट और अदर पर्सन ऑन दिस बिहाफ, तो वो उसके सिग्नेचर लेंगे. लाइक अगर हमारे पास कोई पोस्ट आता है एंड वो हमें देते हैं, हमारा जो क्लियर होता है हम लेते हैं, उसके बाद हम उसे साइन करते हैं. सेम इन दिस केस ऑल्सो, ही शैल रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन टू होम द कॉपी इज टू इज सो डिलीवर्ड. जिसको कॉपी डिलीवर होगी ही शी विल साइन दैट एक्नॉलेजमेंट, और एक्नॉलेजमेंट के बाद हम उसे ओरिजिनल समन को एंडोर्स कर देंगे. नाउ रूल नंबर 17, प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विसेज और कैन नॉट बी फाउंड. अगर वो नहीं मिलता, वो मना कर देते कि मैं इस सर्विस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो क्या प्रोसीजर होता है. तो वेयर द डिफेंडेंट और हिज एजेंट और सच अदर पर्सन एज अ फोरसेड रिफ्यूजेस टू साइन द एक्नॉलेजमेंट, अगर उन्होंने एक्नॉलेजमेंट साइन करने से मना कर दिया, और वेयर द सर्विंग ऑफिसर आफ्टर यूजिंग ऑल ड्यू एंड रीजनेबल डिलीजेंस, सारे डिलीजेंस के साथ भी अगर वो काम नहीं हो पा रहा, कैन नॉट फाइंड द डिफेंडेंट, अगर वो डिफेंडेंट को फाइंड नहीं कर पाते जो अपने रेजिडेंस से absent है, वहाँ पर है ही नहीं, तो resident at the time when services sought to be effected on him at his residence and there is no like वही same चीज़ कि उसका कोई likelihood भी वहाँ पर नहीं है ताकि वो उसको accept कर सके, ना कोई agent है वहाँ पर who accept the service of the summons on his behalf, nor any other person, कोई और person भी नहीं है वहाँ पर whom service can be made, जिसको service मिल सकती है.
सो द सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स द कॉपी ऑफ द समन ऑन द आउटर डोर, वो बाहर रख सकता है कॉपी को, और सम अदर कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस इन विच द डिफेंडेंट जहाँ पर रहता है, आपको लगता है उसका बिजनेस यहाँ पे है, उसको के पर्सनल वर्क यहाँ पे वहाँ पे दे सकता है, शैल देन रिटर्न द ओरिजिनल टू द कोर्ट, या वो दोबारा उसी को कोर्ट को दे देगा फ्रॉम विच इट वॉज इशू, जहाँ से वो इशू था वहाँ पे उसको रिटर्न कर देगा विद रिपोर्ट एंडोर्स एनेक्स करके साथ में रिपोर्ट को स्टेटिंग कि वहाँ पर डिफेंडेंट उसे नहीं मिला, दैट उसने कॉपी को फिक्स कर दिया सर्कमस्टांसेस जिसमें उसने ये सारा काम किया है एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन बाय हुम द हाउस वाज आइडेंटिफाइड, किसका वो घर था एंड हुज प्रेजेंस द कॉपी वाज फिक्स, अगर वो वहाँ पर रखकर आते तो ये सारी डिटेल्स को वहाँ पर लिखकर आएगा. सो वी विल कंटिन्यू विद रूल 18 इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल.